कल हमने सी एफ टी पढ़ी थी, अब आज हम पहले पढ़ रहे हैं फ्रीडम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फील्ड स्प्लिट ऑर्बिटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखिए कंडीशन ये है कि ये ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग दिखाती है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग दिखाती है। पहला केस इसलिए यह है कि स्प्लिटिंग एनर्जी है वो लेस देन पेयरिंग एनर्जी, इसका मतलब पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये पेयर नहीं करेंगे, इसका मतलब जैसे इसमें चार इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे पहला फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऐसे फिल होगा, और इसमें कैसे होगा वन टू थ्री ये। तो क्या ध्यान देना है, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स में तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पेयर नहीं हो जाए, ईजी वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा, और इधर दो इलेक्ट्रॉन जैसे फिल होंगे तीसरा पेयर नहीं हो जाएगा, कहाँ जाएगा टी टू जी ऑर्बिटल में चला जाएगा। ये एक बात आपको समझनी है, अगर उसमें कंडीशन ये हो जाए कि दूसरी कंडीशन हो जाए, यानी कि अब क्या हो जाए पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी, तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा स्प्लिटिंग एनर्जी हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ की जगह यहाँ फिल हो जाएगा और ये इसका थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ इस तरह से पेयर होने लगेगा। समझ में आ गई, तो ये है फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड स्प्लिट ऑर्बिटर। अब एक आपने समझना है जो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का कंपेयर करके हम देख रहे हैं, एक चीज देखिए इसको आपने समझना है, जैसे ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आप ध्यान देना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ये इजी ये बेरी सेंटर हो गया, ठीक है, और ये इसका टी टू जी ऑर्बिटल होता है, ये इनकी कैटेगरी है, ये किसके लिए है ऑक्टाहेड्रल। इसी की जगह हम टेट्राहेड्रल के लेंगे तो टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, ये आपका टी टू जी ऑर्बिटल हो जाएगा इसका, और ये आपका टी जी ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि इसका ये हो गया। अब एक बात समझनी है आपने, इसमें जो है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें नंबर ऑफ लिगेंड्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा फोर होगा, यानी कि नंबर ऑफ लिगेंड्स चार होंगे, इस वाले में नंबर ऑफ लिगेंड्स जो होंगे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा सिक्स होगा। अब आपको समझना है यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डेल्टा ओ से दिखा रहे हैं, और यहाँ पर जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको हम डेल्टा टी से दिखा रहे हैं। समझ में आ गया, क्योंकि इसमें सिक्स लिगेंड है ध्यान देना निगेटिव, इसमें फोर लिगेंड्स हैं, तो इसमें ये बात तो आपको समझनी है कि जो डेल्टा ओ मोर ग्रेटर देन डेल्टा टी, यानी जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी है वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग एनर्जी से बहुत ज़्यादा है। और कैसे ज़्यादा है इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए इसको करेंगे ऐसे कैलकुलेट करेंगे सिक्स इसके कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स इंटू डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी इक्वल्स टू फोर इंटू डेल्टा ओ, ठीक है, इससे हम डेल्टा टी निकालेंगे तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा फोर अपॉन सिक्स डेल्टा ओ, या और सॉल्व करेंगे इसको फिर निकल जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू टू अपॉन थ्री डेल्टा ओ, ये आपका एक चीज। अब आपको समझना है लेकिन ये तो था स्प्लिटिंग एनर्जी का डिफरेंसेस, अब क्योंकि इसमें छः लिगेंड काम कर रहे हैं उसमें चार लिगेंड काम कर रहे हैं, दूसरा इनके साथ जो एक एरिया कवर हो रहा है तो कवर्ड एरिया भी इसका ज़्यादा है इससे, इसके इक्वल से लिखेंगे डेल्टा टी इक्वल्स टू टू बाई थ्री ऑफ टू बाई थ्री डेल्टा ओ, इसको सॉल्व करके आ जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू फोर बाई नाइन डेल्टा ओ, ये रिलेशनशिप को आपने इसमें ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है, देखिए यहाँ पर तो इसका थ्री डेल्टा ओ की जो स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ इसका थ्री बाई फाइव भी हो जाएगी और टू बाई फाइव भी हो जाएगी, ऐसे इसका टू बाई फाइव भी हो जाएगी और थ्री बाई फाइव भी हो जाएगी, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे वन इंटू थ्री बाई फाइव प्लस वन इंटू थ्री बाई फाइव माइनस टू फाइव वन इंटू प्लस वन इंटू टू बाई फाइव
सॉल्व करेंगे नेट इफेक्ट इसका जीरो आएगा, वो चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर क्या होगी, 2/5 प्लस 2/5 माइनस 3/5 प्लस 3/5 माइनस 3/5, इसमें इसको भी सॉल्व करेंगे क्या रहेगी, जीरो आएगी। ठीक है, समझिए ये क्या रहेगी, जीरो ऐसे। ठीक है, तो क्या हो गया, तो नेट इफेक्ट है स्प्लिटिंग का, जो नेट इफेक्ट हो गया है ऊपर का और नीचे का मतलब जीरो की समझ में क्या है, यहाँ इंक्रीज हुई एनर्जी और यहाँ डिक्रीज हुई एनर्जी का जो एल्जेब्रिक सम होगा वो जीरो आएगा। वही बात यहाँ है, यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज हो गया, एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो आएगा। इसके बाद एक बात पढ़ाती है, जब ये तो हमने पढ़ा था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ये बात हमने टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ऐसे ही अगर हम क्वाड्रेंट नंबर चार कंडीशन में चार आ जाएंगे, जो हाइड्रेशन होता है वो क्या है, डीएसपी जो हाइड्रेशन होता है, स्क्वायर माइनस की ज्योमेट्री होती है, तो उसका अगर स्प्लिटिंग करेंगे तो उसका ऑर्बिटल की पांच ऑर्बिटल ऐसे होंगे, सबसे ऊपर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर डी एक्स माइनस डी जेड स्क्वायर और डी वाई है डी जेड एक्स करके, इस तरह से चार तरह के इसमें क्या होता है, क्लासीफाई हो जाता है। देखिए हम देख रहे हैं इसमें कलरिंग कॉर्डिनेशन कंपाउंड की, कौन सा कॉर्डिनेट कंपाउंड किस तरह का कलर देगा, इसको हमें समझ रखा है एक्सपेरिमेंट से। देखिए यहाँ पर एक टॉर्च है, इससे जो हम लाइट डाल रहे हैं वाइट लाइट है, इधर ये जैसे मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है K4Fe6O-, तो इसमें क्या होता है, कुछ लाइट जो होती है कलर उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, बाकी बाहर क्या होती है, एमिट करती है, और स्वाभाविक बात है जिसको एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा वो कलर गायब हो जाएगा, वो कलर दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर एब्जॉर्ब कलर येलो है, तो यहाँ आपको जो ट्रांसमिटेड कलर होगा वो कलर ब्लू कलर का होगा। आपको समझना है जो वाइट लाइट होती है, मान लीजिए वाइट लाइट में ए प्लस बी प्लस सी तीन पिगमेंट हैं, तीन तरह के कलर्स में हैं, यहाँ से हमने वाइट लाइट डाली, यहाँ पर कोई ए वाला क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, ए बोले तो मान लीजिए बी विल एब्जॉर्ब हो गया, इधर आपको बी और सी मिलेंगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री में होंगे ऑरेंज। समझ में आ गई, क्या होता है वाइट लाइट क्यों होती है, वाइट लाइट में क्या होता है, जब हम यहाँ पर वाइट लाइट डाल रहे हैं तो इसमें ये कलर निकलते हैं येलो ऑरेंज और रेड। अब इसमें से अगर मान लीजिए येलो कलर क्या हो जाएगा, ये येलो कलर एक क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो गया, तो आपको क्या दिखाई देगा, उसका करीबी कलर जो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री वाला आपको पड़ा होगा ब्लू कलर है, आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कलर, यानी कि आपको क्या चाहिए, जो कलर एब्जॉर्ब होगा वो दिखाई देगा, तो उसका सप्लीमेंट्री जो दूसरा कलर होगा वो आपको दिखाई देगा। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं ये कलर वाले जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया था, उस कलर वाले कंसेप्ट में सी एफ टी को अप्लाई करके समझ रहे हैं कि ऐसे कैसे हो रहा है, तो हम इसको सी एफ टी अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये एक ऑक्टेंटल कॉम्प्लेक्स है, ये उसका 3D ऑर्बिटल है, ये 3D डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, इसमें एनर्जी बढ़ जाएगी, ये जब लिगेंड इसमें अटैक कर रहा है तो लिगेंड अटैक करने से इसकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। अब इस पर यह वाइट लाइट पड़ी, वाइट लाइट पड़ी तो देखिए अभी 3D ऑर्बिटल क्या होता है, ऑक्टेंटल कॉम्प्लेक्स का ना, ऑक्टेंटल कॉम्प्लेक्स में जो 3D ऑर्बिटल होता है वो इस तरह से क्या होता है, स्प्लिट करता है, ऊपर कौन सा ईजी और नीचे कौन सा T2G, एनर्जी किसकी ज़्यादा, ईजी की, T2G एनर्जी कम, ये कौन सी एनर्जी हो गई, बेसिटर हो गया, इन दोनों में डिफरेंस हो गया स्प्लिटिंग एनर्जी में डेल्टा O। ठीक है, अब जैसे इसमें वाइट लाइट पड़ी तो देखिए जैसे इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कोई ऐसा ऑर्बिटल है जिसके डी में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी कि कंफिग्रेशन क्या हो गया, 3D2 वाला कोई कॉम्प्लेक्स है, इसमें ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, इसमें वाइट लाइट पड़ रही है, ठीक है, तो वाइट लाइट पड़ने पे ये क्या करेगा, किसी कलर को क्या, वाइट लाइट में आपको बताया था कितने कलर होते हैं, VIBGYO7 कलर होते हैं, ये इसमें से मान लीजिए कोई कलर को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कोई कलर एब्जॉर्ब कर दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन जम करके, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने के लिए इतनी एनर्जी स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर डिफरेंस ऑफ एनर्जी चेंज है तो वहाँ जा पाएगा, तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ से करेगी, जो कलर एब्जॉर्ब करा उससे इसको एनर्जी मिली, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके कहाँ चले गया, इधर चले गया, चले गया ना, तो इलेक्ट्रॉन जम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी कहाँ से आई, इसने इसका कलर को एब्जॉर्ब करा, बाकी जो कलर रह गए वो कलर बाहर क्या हो गए, ट्रांसमिट हो गए, वही कलर हमको स्विच पे क्या होता है दिखाई देता है। अब इसको एक चीज समझनी है, यहाँ तो डी के में दो इलेक्ट्रॉन थे, अब मान लीजिए कोई डी ऑर्बिटल है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, यानी कि डी ऑर्बिटल वैकेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, और दूसरा ये केस है कि आपका जो डी ऑर्बिटल है फुली फिल्ड है, क्या है, या तो वो फुली फिल्ड है और या क्या है इनकम्प्लीट, मतलब क्या है कि वैकेंट है डी ऑर्बिटल, इसमें क्या केस होगा, देखिए समझिए,
वाइट हेड पड़ी हमें, वाइट हेड पड़ी। लेकिन क्या है इसमें देखिए, अगर इसको हम तोड़ेंगे पहली बार कैसे तोड़ेंगे हम ऑर्बिटल्स को, तो इस तरह से टूट जाएगा। अब क्योंकि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फिल है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन जब तक जाएगा नहीं, पहले इलेक्ट्रॉन ही जब तक नहीं जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या होगा, कोई भी कलर ट्रांसमिट नहीं होगा। समझा था कि अगर इसलिए अगर फुली फिल्ड वाले में लेते हैं तो फुली फिल्ड वाले में भी वही होगा कि जैसे इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी जो इजी है और डी टू, ये दोनों फुली फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन के जाने की जगह है ही नहीं, जाने की जगह नहीं है तो क्या होगा, क्या क्या होगा इसमें, कोई भी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है इन दोनों ऑर्बिटल्स में। अगर डी ऑर्बिटल वैकेंट है या डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है तो उस केस में ये पॉइंट ये नोट करना कि नो डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल, तो कोई भी डी डी ऑर्बिटल का ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए नो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी। अब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी ऑल राइट एमिट, सारी लाइट एमिट होगी, कलर एमिट होंगे सारे के एमिट होंगे, कलर के साथ कैसा कलर होगा, व्हाइट कलर होगा। और इसलिए क्या होता है जो सब्सटेंस है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। इसलिए आपको एक लाइन कई बार पढ़ाई जाती है, जो वैकेंटली ऑर्बिटल्स होते हैं और जो कंप्लीटली ऑर्बिटल्स होते हैं उनके जो सॉल्ट होंगे वो कलरलेस होंगे, ठीक है। और जिनके जिनका डी ऑर्बिटल में जैसे 1 2 3 4 5 7 9 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें क्या होगा, कलर दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब देखिए आप ये टेबल पहले हमने यहाँ पर देखिए, इसमें हमने लिखा है कलर ऑफ एब्जॉर्ब लाइट रेडिएशन, किस कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये रेंज ऑफ द वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में है, एब्जॉर्ब लाइट जो लाइट एब्जॉर्ब की जा रही उसकी ये रेंज है, किस रेंज की लाइट है यानी कि उसकी वेवलेंथ, और ये कलर ऑफ द ट्रांसमिटेड, कौन सा कलर ट्रांसमिट होता है। अब ध्यान देना आपने, जिस समय वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो एब्जॉर्ब कलर की जो वेवलेंथ है वो 4000 से 4500। सर इसमें ना आपका फोन आ जाते हैं, तो देखिए वॉयलेट कलर की जो रेडिएशन है 4000 से 4500 है, और जब इसमें वॉयलेट कलर क्या होगा एब्जॉर्ब होगा तो आपको येलो ग्रीन कलर दिखाई देगा, जिस समय ब्लू कलर एब्जॉर्ब होगा उसकी रेडिएशन के वेवलेंथ 4500 से 4800 तो आपको येलो कलर दिखाई देगा, फिर आपको ग्रीन ब्लू जब एब्जॉर्ब होगा तो उसकी रेडिएशन है आपको ऑरेंज कलर दिखाई देगा, अगर ब्लू ग्रीन कलर एब्जॉर्ब होगा उसकी रेडिएशन 4900 से 5000 है तो उसमें आपको रेड कलर दिखाई देगा, ऐसे ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो 5000 से 5600 है तो वॉयलेट दिखाई देगा, वैसे येलो ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो फिर वॉयलेट दिखाई देगा लेकिन लगभग पर्पल टाइप, फिर येलो एब्जॉर्ब होगा तो आपको दिखाई देगा ब्लू, और ऐसे ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा तो दिखाई देगा ग्रीन ग्रीन ब्लू, और रेड एब्जॉर्ब होगा तो आपको दिखाई देगा ब्लू ब्लू। एक तो ये समझना है, दूसरा आपको एक बताया था मैंने अभी कि जो कलर्ड आयन, जो कलर्ड आयन होंगे या जो कलर देने वाले कॉम्प्लेक्सेस होंगे उस पर क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा या फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा तो उन दोनों केसेस पे क्या होगा, वो आपको कलर नहीं देंगे। कैसे वो सीएफटी से अभी आपने चेक किया था। अब यहाँ पर समझिए, जैसे कौन सा आयन किस तरह का, ये थ्री डी जिनका जो थ्री डी कॉन्फिगरेशन होता है या जो थ्री डी सीरीज के एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा किस कंडीशन में क्या कलर देगी आप ध्यान देना है। जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, SCPI3 यानी टाइटेनियम का 22 का मतलब 4s2 क्या करते हैं, इसमें 4s2 3d2। अब 3 पॉजिटिव तो दो यहां से निकलेंगे, एक यहां से 3d1 हो गया, इसमें ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं जो n है, n यहां पर का आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3d1 कंफ्यूजन होगा pi3 पॉजिटिव का, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हुआ और उसका कलर होगा वायलेट। ऐसे अगर वैलेडियम 3 पॉजिटिव है, इसका 3d2 कंफ्यूजन है, n बराबर 2, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये ग्रीन कर देगा आपको। अच्छा वैलेडियम 3 पॉजिटिव की जगह वैलेडियम 2 पॉजिटिव हो गया है या Cr3 पॉजिटिव है, दोनों में एक ही बात है, उस समय 3d3 इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तीनों अनपेयर्ड है, n बराबर 3 अनपेयर्ड हो गए तो ये कर देगा वायलेट। ऐसे Cr2 पॉजिटिव है, ये 3d4 है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए ये कर देगा। Mn3 पॉजिटिव का भी 3d4 हो जाएगा, ठीक है ये वायलेट कर देगा आपको। Mn2 पॉजिटिव 3d5 ये इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है ये पिंक कर देगा। Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव का कितना हो जाता है 4s2 3d6 होता है, तो वहां से मिले एक आंसर हो गया 3d5 हो गया, 3d5 होता है n बराबर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये येलो कर देगा आपको। Fe2 पॉजिटिव का कितना हो जाएगा 3d6 होता है, 3d6 का मतलब पहला वाला पेयर हो गया तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ये आपको ग्रीन कर देगा। Co2 पॉजिटिव ये आपको
3d7 3 इलेक्ट्रॉन में फिल कर देगा, Ni2 पॉजिटिव 3d8 एंड्रा 2 ये आपको ब्लू कर देगा, और Cu2 पॉजिटिव 3d9 एंड्रा 1 ये आपको क्या देगा, ब्लू कर देगा। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे थे, इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के कॉम्प्लेक्सेस आपने देखे होंगे, जैसे देखिए NiCO का होल 4। ठीक है, एक तो ये बात समझिए, जिसमें भी ये कार्बोनिल कंपाउंड जितने भी आप देखेंगे, ये इसमें क्या आप देख रहे हैं, होमोलेक्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स। आप समझे होंगे होमोलेक्टिक कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है, दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस आपने पढ़े थे, हेट्रोलेप्टिक और एक होमोलेप्टिक। होमोलेप्टिक वो होते हैं जिनके नंबर जो लिगेंड्स होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, इनमें सब में जो लिगेंड्स लग रहा है वो कार्बोनिल CO2 लगा हुआ है, इससे ये होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। एक खासियत इन कार्बोनिल कंपाउंड्स की ये होती है, जहाँ पर भी होमोलेप्टिक कार्बोनिल कंपाउंड्स होंगे, इसमें जो भी मेटल मेटल लगा होगा, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें, तो उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी 0। यानी कि इसमें Ni की मेटल स्टेट 0, इसमें Ni की 0, इसमें Fe की 0, इसमें Cr की 0, यहाँ Mn की 0 और यहाँ कोबाल्ट की 0। ये क्या कहलाएंगे, ये कोबाल्ट है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब एक और बात है, इन कार्बोनिल कंपाउंड की एक और खासियत है, जो ये तीन बना रखे हैं, पहला दूसरा और तीसरा, जो ग्रीन और रेड कलर से बने हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड्स में क्या है, ये मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इनमें एक ही न्यूक्लियर है अवेलेबल, कौन, Ni या Fe या Cr। लेकिन ये जो दो हैं, ये दो जो कंपाउंड हैं, ये बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, इसमें Mn, दो Mn लगे हुए हैं और इसमें दो कोबाल्ट CO CO के बीच क्या है, बॉन्ड है, समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, इसमें समझिए, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की सभी कंपाउंड में 0 आएगी, एक बार। अब क्योंकि NiCO4 है, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा था, इसलिए तो जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो ये आपके यहाँ पर इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बना रखी है। इसके बाद FeCO का होल 5 है, FeCO का होल 5 का कंफिगरेशन अगर देखेंगे तो क्या आएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आएगा, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन आपको बताइए कि स्क्वायर ट्राइगोनल प्लैनेट करके जो ज्योमेट्री इसकी आपको दिख रही होगी। इसके बाद Cr6CO6 का भी एक कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें एक बात समझिए, जो ये दो कंपाउंड्स हैं, ये बाकी पहले के तीन कंपाउंड्स का तो काम हो गया, इनका तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने इनका तो काम हो गया, हटा देते हैं इनको। देखिए, अब इन दो कंपाउंड की बात देखते हैं, इन दो कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, एक बात ये ध्यान देने में, एक तो मेटल मेटल के बीच बॉन्ड बन रहा है, एक बॉन्ड किसके बीच बन रहा है, समझ लीजिए मेटल मेटल है दो। तो अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट बॉन्ड कौन सा है, जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, किसके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। और ये मेटल और कार्बन के बीच में, जैसे यहाँ पर कोई इस बॉन्ड की बात करूँगा, ये मेटल है और ये कार्बन है, इसके बीच का बॉन्ड मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड, इधर ये मेटल और ये कार्बन के बीच का बॉन्ड, किसी में चलिए, तो जो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड भी दिखाएगा और पाई बॉन्ड भी फॉर्म करेगा। यहाँ से सुनना क्या कह रहा हूँ, बार बार नहीं होगा इस बात को, सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर रहा है, जिस समय ये मेटल और कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, वो बॉन्ड कैसे बन पा रहा है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि डोनेशन ऑफ लोन पेयर, जो इनके ऊपर लोन पेयर होंगे उनका डोनेशन हो रहा है, तो डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से मेटल और कार्बन के बीच में क्या हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, लोन पेयर डोनेशन। अच्छा, पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पाई बॉन्ड बनना है डोनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से क्या हो रहा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो ये आपने ध्यान देना है, जो बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, वो बाइन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं आपका क्या करते हैं, दो तरह के बॉन्ड फॉर्म करते हैं मेटल और कार्बन के बीच में, सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो होता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर से बनता है, और डोनेशन ऑफ बॉन्ड पेयर से आपका क्या बनता है, आपका पाई बॉन्ड बनता है। तो ये आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने पहले पढ़ा था, उसके कुछ टॉपिक्स हमारे छूटे थे, तो ये टॉपिक्स आपके खत्म हो गए, तो आपके पूरा आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर जो हो गया खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्या करेंगे कि अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है।